दिल्ली की आम आदमी पार्टी सरकार ने छात्रों को बड़ा तोहफा दिया है। शिक्षा के क्षेत्र में एक और कदम आगे बढ़ाते हुए मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली के 2400 से ज्यादा छात्रों को करीब 14 करोड़ की स्कॉलरशिप दी। दिल्ली सचिवालय में हुए कार्यक्रम में इस योजना का फायदा पाने वाले कुछ छात्र भी मौजूद थे, जिन्होंने अपने अनुभव साझा किए और कहा कि आर्थिक तंगी के कारण पढ़ाई बीच में ही छोड़ने की नौबत आ गई थी। मुख्यमंत्री ने छात्रों के अनुभव को प्रेरणादायक बताया और कहा कि इसके पीछे सरकार का ये उद्देश्य है कि दिल्ली का कोई बच्चा पैसे की कमी के कारण अपनी पढ़ाई बीच में ना छोड़े। अभी आप सबकी स्टोरीज, एक एक की स्टोरीज सुन के बहुत हमें इंस्पिरेशन मिला कि किस तरह से यहाँ पे बैठा हुआ एक एक बच्चा ही नहीं, बाहर भी किस तरह से एक एक बच्चे को स्ट्रगल करना पड़ता है। अपने दिनों में हम लोगों ने भी अपनी एजुकेशन के लिए काफ़ी स्ट्रगल किया था। अपने देश में स्पेशली लोअर मिडिल क्लास और मिडिल क्लास और लोअर क्लासेस में पढ़ाई इतनी महंगी हो गई है आज, स्पेशली अपर एजुकेशन इतनी, हायर एजुकेशन इतनी महंगी हो गई है कि एक बच्चे को पढ़ने के लिए काफ़ी स्ट्रगल करना पड़ता है। पिछले 4 साल के अंदर दिल्ली सरकार ने एजुकेशन के क्षेत्र में जो काम किया है उसकी बारे में खूब चर्चा हो रही है चारों तरफ। आज हम इस पोजीशन पे खड़े हैं कि हम ये कह सकते हैं हमने पिछले 4 साल में जो सिस्टम्स बनाए हैं, जो व्यवस्था बनाई है, हम ये कह सकते हैं आज दिल्ली के अंदर कि दिल्ली में किसी भी बच्चे को पैसे की कमी की वजह से अपनी एजुकेशन छोड़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। 12वीं तक की एजुकेशन तो बिल्कुल फ्री है सरकारी स्कूलों के अंदर। पहले सरकारी स्कूलों का बुरा हाल था, लेकिन अब सरकारी स्कूल बहुत अच्छे हो गए हैं। यहाँ तक कि मिडिल क्लास के बच्चे भी अब अपने पेरेंट्स भी अपने बच्चों को प्राइवेट स्कूल से निकाल के सरकारी स्कूलों में भर्ती करा रहे हैं। और 12वीं क्लास के बाद हायर एजुकेशन के लिए एक तरफ हम गरीब बच्चों को या लोअर मिडिल क्लास के बच्चों को स्कॉलरशिप भी दे रहे हैं, लेकिन दूसरी तरफ जो लोन की स्कीम है कि 10 लाख रुपए तक का लोन आप में से कोई भी ले सकता है, आपको कोई कुछ भी गिरवी रखने की ज़रूरत नहीं है, आपको कोई भी चीज़ गारंटी देने की ज़रूरत नहीं है, दिल्ली सरकार गारंटी देती है आपकी, आपको केवल एक फॉर्म भर के देना होता है और उसके बाद आप 10 लाख रुपए तक जितना मर्जी लोन आप लेना चाहें आप ले सकते हैं। आपको पढ़ाई पूरी करने के बाद 1 साल के बाद आपको वो लोन 15 साल के अंदर आसान किस्तों में वापस करना होता है, विच इज़ वेरी लिबरल। उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने भी छात्रों को संबोधित करते हुए योजना को लाभदायक बताया और छात्रों को बधाई दी। सबसे पहले तो आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं कि आप अपनी पढ़ाई को लेके सक्सेसफुली आगे बढ़ रहे हैं। और जैसा मुख्यमंत्री जी हमेशा कहते हैं कि दिल्ली के किसी भी बच्चे की पढ़ाई इसलिए नहीं छूटनी चाहिए कि उसके पास कहीं से कोई फाइनेंशियल क्रंच था, ये सरकार की जिम्मेदारी है। तो ये आप सपना को साकार कर रहे हैं, मुख्यमंत्री जी के भी सपने को साकार कर रहे हैं, इसके लिए आपको अपने परिवार के और अपने सपनों को तो कर ही रहे हैं, लेकिन साथ साथ हम सबके सपने हैं देश को लेके, तो उनको साकार कर रहे हैं। आप कल के होनहार प्रोफेशनल्स होंगे, आप कल के होनहार नागरिक हैं, सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं। बता दे, बीती 22 जून को दिल्ली की आम आदमी पार्टी सरकार ने छात्रों को बड़ा तोहफा देते हुए स्कॉलरशिप की घोषणा की थी। दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने ऐलान किया था कि जिस परिवार की सालाना इनकम 1 लाख रुपए से कम है उनको फीस की 100% स्कॉलरशिप मिलेगी, उन्हें फीस के बराबर स्कॉलरशिप मिलेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, दिल्ली तक।